दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में और वहां पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर। और उस ऑफिशियल वेबसाइट में उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बोला गया है कि जितने भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना के किसान लाभ ले रहे हैं उन सभी का किसान क्रेडिट कार्ड बनेगा और वो भी बहुत ही कम खर्चे में, और यहाँ तक कि 1.6 लाख तक उनको कोई भी जमीन अपनी गिरवी नहीं रखनी पड़ेगी, रोड मैप नहीं करानी पड़ेगी। तो उसी के बारे में बात करेंगे, कैसे आप फॉर्म कहाँ से मिलेगा, क्या उसका प्रोसीजर है और कैसे आप बहुत ही आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड का फायदा उठा सकते हैं। उसके साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे आपको गवर्नमेंट स्कीम का लाभ मिलने वाला है इसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के जितने भी किसान लाभ ले रहे हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। बने इस वीडियो में लगातार, मैं हूं पवन छागड़े और आप देख रहे हैं दोस्तों अपना चैनल हेल्प हिंदी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें जिससे आने वाले सभी लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो आप लगातार पा सकें। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलूंगा पीएम किसान सम्मान निधि योजना के ऑफिशियल वेबसाइट पर। जैसे आप आते हैं यहाँ पर देखिएगा, आपको एक नया ऑप्शन मिल रहा है डाउनलोड केसीसी फॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक केसीसी फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड का। ये फॉर्म भरकर आपको जमा करना होगा और इसके माध्यम से आपको किसान क्रेडिट कार्ड बनाकर बैंक देगी। तो देखिएगा, लोन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एग्रीकल्चरल क्रेडिट फॉर पीएम किसान बेनिफिशरीज टू द ब्रांच मैनेजर, कि जिस भी बैंक में आपका अकाउंट हो जहां से आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का पैसा उठा रहे हो जिस बैंक से, वहां पर जाकर इस फॉर्म को आपको भरना है। तो सबसे पहले फॉर द ऑफिस यूज ये आपको भरना नहीं, यहां से आपको भरना है टाइप ऑफ केसीसी, अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड, किस टाइप का आप केसीसी बनवाना चाहते हैं, फ्रेश केसीसी बनवाना चाहते हैं या इन्हें बढ़वाना चाहते हैं। सपोज दैट आपका पहले 1 लाख रुपए का केसीसी बना था या 2 लाख का बना था, आप उसे बढ़वाना चाहते हैं तो उसके लिए या एक्टिवेशन ऑफ इन योर प्रिएटिव केसीसी अकाउंट, तो किस तरीके से जो आपका डीएक्टिवेट हो गया केसीसी अकाउंट उसको एक्टिवेट कराना चाहते हैं उसमें आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना 3 में से जो भी। अगर नया बनवाना चाहते हैं तो पहला, अगर आप बढ़वाना चाहते हैं केसीसी की लिमिट तो सेकेंड, या जो एक्टिवेट कराना चाहते हैं वो थर्ड। और उसके बाद अमाउंट ऑफ लोन रिक्वायर्ड, कितना आपको अमाउंट चाहिए वो यहाँ पर भर देना है। और पार्टिकुलर ऑफ द एप्लीकेंट, अब सबसे पहले आपको नेम ऑफ एप्लीकेंट मतलब जिसके नाम से आप केसीसी बनवाना चाहते हैं उनका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। अकाउंट नंबर पीएम किसान बेनिफिशियरी, जो वो यहाँ पर अकाउंट नंबर दोस्तों डालना है जो आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहे हैं जिस अकाउंट से, वो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर फिल कर देना है। जिसमें भी आपका पैसा आ रहा है दोस्तों 2000 रुपए प्रति 4 महीने में, वो वाला अकाउंट यहाँ भरना है। अब यहाँ पर देखिए ये कुछ कंडीशन दी गई, इफ नॉट कवर्ड अंडर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, कंसेंट फॉर ऑटो डेबिट फॉर कवरेज अंडर दीज टू स्कीम्स। यहाँ पर ये बोला गया, अगर आपने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ नहीं ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपकी ये स्कीम्स लागू कर दी जाएंगी अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवाते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ स्कीम प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, इसमें एनुअल प्रीमियम जो आपका लगता है वो 12 रुपए लगता है, सम एश्योर्ड 2 लाख का आपको मिल जाता है। 12 रुपए आपको कटेंगे जिसमें अगर कोई भी दुर्घटना हो जाती है तो किसान को 2 लाख रुपए मिलता है। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आपको यस करना है अन्यथा नो करना है। अगर प्रधानमंत्री ज्योति बीमा की ओर जीवन ज्योति की बात करें तो इसमें 330 रुपए प्रचाल करता है और आपका यहां पर जो अमाउंट लगने वाला होता है वो 2 लाख रुपए का आपका अमाउंट बन जाता है। तो ये आपको कहीं ना कहीं एक बेहतरीन स्कीम्स दे रही है गवर्नमेंट जिसका आपको लाभ पूरा उठाना चाहिए। अमाउंट टू बी डेबिटेड फ्रॉम पीएम किसान अकाउंट ₹12 पर एनम फॉर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एंड ₹330 पर एनम फॉर द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना। तो दोस्तों इतने अमाउंट में आपको ये दोनों बीमा कवर मिल जाते हैं जिसमें 2-2 लाख रुपए किसानों को मिलता है। द केसीसी एंड अदर डिटेल ऑफ द एप्लीकेंट विल बी एक्सीड फ्रॉम द अकाउंट, और भी अदर डिटेल जो होगी वो ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट से ले ली जाएगी। डिटेल ऑफ एग्जिस्टिंग लोन ऑफ एनी, अगर आपने पहले से कोई किसान लोन ले रखा तो वो आपको फिल कर देना है। पर्टिकुलर ऑफ टोटल लैंड होल्डिंग ऑफ द एप्लीकेंट एंड क्रॉप, जितना भी आपके पास नेम ऑफ विलेज, खसरा नंबर और टाइटल ऑन्ड है या लीड पे आपने ले रखी है या शेयर क्रॉप ले रखा, एरियन एकर्स भर देना है। नेम ऑफ द क्रॉप ऑफ द ग्रो, किस टाइप की आप फसल बोते हैं, ये सारी डिटेल यहाँ भर देनी है। केसीसी टू फिश एंड द एनिमल्स
हस्बैंडी फॉर्म है, जो भी फिशर्स है मतलब कि जो मत्स्य पालन करते हैं या जानवर पालते हैं उनके लिए भी यहाँ पर अलग से कॉलम दिया गया, उनके लिए भी लोन मिलने वाला है, वो भी बहुत ही आसानी से लोन ले सकते हैं। सिक्योरिटी प्रपोज टू बी ऑफर्ड पर्टिकुलरली टू प्राइमरी सिक्योरिटी ऑफर्ड, यहाँ पर अगर आपको कोई भी सिक्योरिटी जैसे ज़्यादा जो लोन लेगा उसके लिए सिक्योरिटी होगी, और डिक्लेयर करके अक्नॉलेजमेंट थंब और इम्प्रेशन देकर आपको अक्नॉलेजमेंट भर कर इसको सबमिट कर देना है अपने बैंक में, जहां से इसका पूरा डिटेल मिल जाएगा। और भी डिटेल आप देखिए दोस्तों यहां पर अमर उजाला पर पढ़ सकते हैं, पीएम किसान योजना का लाभ उठाने वाले किसानों को अब क्रेडिट कार्ड बनेंगे, यह देखिए पूरा डिटेल दिया गया, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। प्रधानमंत्री किसान योजना का लाभ लेने वाले किसानों को अब किसान क्रेडिट कार्ड भी बनाने होंगे। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। वही नए आदेश में मुर्गी पालन, दूध कारोबारी और मत्स्य पालन पर भी किसान को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी जाएगी। यह बात सत्यपाल चौधरी डीडीएम नवाड और अग्रणी जिला प्रबंधक के जायसवाल ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही। किसान कार्ड बनाने के लिए सभी बैंक 8 से लेकर 25 फरवरी तक विशेष अभियान चलाने वाली है। अगर आप बनवाना चाहते हैं दोस्तों केसीसी, तो 8 फरवरी से लेकर 25 फरवरी तक 24 फरवरी तक आप बैंक पर जाकर पूरी डिटेल ले सकते हैं। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार प्रदेश में वर्तमान में 9,96,000 किसान परिवार पंजीकृत है, जिसमें से वर्तमान में केवल 3,68,863 किसान क्रेडिट कार्ड का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि सभी किसान क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि सरकार ने कार्ड बनाने के नियमों में भी कुछ बदलाव किए हैं। 1.60 मतलब कि 1,60,000 रुपए तक का किसान क्रेडिट कार्ड बनाने पर किसानों को अपनी जमीन बैंक के पास मोड गेज नहीं करवानी होगी। 3,00,000 रुपए तक के कार्ड पर मात्र 4% ब्याज साल का देना होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस योजना के में बदलाव किया है। अब दूध उत्पादन के लिए, गोवंश पालन के लिए, फिशरी उत्पादन और सुअर पालन पर भी किसानों के 2,00,000 रुपए तक के कार्ड बनाए जाएंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा अपडेट है जो किसानों के लिए बहुत ही बड़ा आने वाले समय में फायदा देने वाला है। उसके बाद मैं आपको इसका एक पूरा पीडीएफ और बताने वाला हूं, जो आपको बहुत डिपेंड करता है। देखिएगा कैंपेन फॉर सैचुरेशन ऑफ ऑल पीएम किसान बेनिफिशियरी विद किसान क्रेडिट कार्ड्स केसीसी, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास 9 पेज का एक पीडीएफ डाउनलोड होएगा सर्कुलर, तो वो आप देख सकते हैं। देखिए 6 फरवरी को लॉन्च किया गया है, यहाँ पर पूरा डिटेल दिया गया। सब्जेक्ट कैंपेन फॉर द सैचुरेशन ऑफ ऑल पीएम किसान बेनिफिशियरी विद किसान क्रेडिट कार्ड्स, तो यहाँ पर देखिए एज ऑलरेडी कम्युनिकेटेड वाट दिस डिपार्टमेंट लेटर ऑफ एवन डेटेड 4/2/2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड लॉन्च्ड अ ड्राइव टू सैचुरेटेड ऑल एलिजिबल फार्मर्स ऑफ द कंट्री अंडर केसीसी। इनका कहने का मतलब जितना भी किसान क्रेडिट कार्ड बनवाना चाहता है और वो पीएम किसान का लाभ ले रहा है, वो सभी बनवा सकते हैं, इसका फायदा ले सकते हैं। अगर हम कैंपेन की बात करें तो 8 फरवरी से 24 फरवरी तक ये चलने वाला है, जिसके तहत कोई भी किसान बैंक जाकर ये फॉर्म लेकर जाकर अपना किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकता है। और देखिए यहाँ पर यह भी दिया गया है, जो ऑलरेडी पहले से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा चुके हैं वो इसको बढ़वा सकते हैं, मतलब लिमिट किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़वा सकते हैं। फुल डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाती है, आप देखिएगा और भी पढ़ सकते हैं, बहुत सारा लंबा पीडीएफ है, आप इसको बेहतरीन तरीके से पढ़कर और भी समझ सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये पूरा डिटेल था, और अगर आप चाहते हैं कि बनवाना तो पूरा डिटेल आप कॉपी ऑफ इन्फॉर्मेशन भी देखिएगा, यहाँ पर सब कुछ दिया गया है आपको। स्टेट वाइज अंडर एक्टिव किसान, किस प्रदेश में कितने किसान क्रेडिट कार्ड बन चुके हैं, किसने एक्टिव है, सब कुछ यहाँ दिया गया। देखिए टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशनल होल्डिंग, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो इतने दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड बन चुके हैं, जिसमें इतने अभी केसीसी एज ऑन 31 जनवरी 2019 इतने बन चुके हैं। हर एक डिटेल देखो दिया गया है पूरा हर एक स्टेट का, वही वाला फॉर्म भी नीचे दिया गया जो मैंने पहले आपको दिखाया था। तो ये कहीं ना कहीं किसानों के लिए एक बेहतरीन न्यूज है। अगर आप किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने की सोच रहे थे या लिमिट बढ़वाने के लिए सोच रहे थे, तो आपको बहुत सारे चक्कर नहीं काटने होंगे कि गवर्नमेंट ने नियमों में बदलाव कर दिया है, और आप इसके साथ बहुत ही आसानी से किसान क्रेडिट कार्ड बनवा सकते हैं। और भी डिटेल अगर आपको चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ मैंने सारे डिटेल दे दिया है। और यहाँ पर आप देखिए नया ऑप्शन इसलिए जोड़ा गया है, डाउनलोड केसीसी फॉर्म, अभी तक ये ऑप्शन नहीं आ रहे थे, लेकिन किसानों की सुविधा के लिए गवर्नमेंट लगातार कदम बढ़ा रही है और इसके लिए बेहतरीन से बेहतरीन उपाय ला रही है। तो
कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट किसानों के लिए कुछ सोच रही है, आप क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताएं, और साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक दोस्तों, मैं एक इन्फॉर्मेशन और दे दूं, पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आवेदन नहीं किया, रजिस्ट्रेशन नहीं किया, तो उसकी भी लास्ट डेट घोषित हो चुकी थी। मैंने उसके लिए पहले से वीडियो आपको बनाकर दिया था, कब है उसकी लास्ट डेट देखिएगा, ये वीडियो आप देख सकते हैं। तो आप उसके लिए आवेदन कर लें, क्योंकि अगर आप आवेदन नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फायदा नहीं ले पाएंगे। अगर आपका कोई बैंक अकाउंट गलत है, या आपका खाता संख्या गलत है, या आईएफएससी कोड गलत है, तो वो भी आप जाकर अपने नजदीकी जो किसान जहाँ पर किसान अधिकारी बैठते हैं, जो कृषि विभाग होता है, वहाँ जाकर सही करवा सकते हैं, अन्यथा आने वाले समय में आपको पैसा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि इसका रीजन क्या है मैं आपको बता दूं, जब ये स्कीम लॉन्च हुई थी 2019 में, तो इसके लिए 85,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया था, लेकिन अब इसे घटाकर लगभग 45,000 करोड़ का ही बजट दिया गया है। मुझे अप्रॉक्स पता है, पूरा पता नहीं दोस्तों, मैंने कल बताया था, मैं भूल चुका हूँ। तो ये पूरा आपके लिए बेनिफिट है कि अगर आप अच्छे से लेना चाहते हैं इसका फायदा, तो इसके लिए आवेदन कर दें, और इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।